भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग, जो कि दुनिया की सबसे छोटी एटमी ताकतों में से हैं, इनके पास एटम बम सिर्फ सैकड़ों की तादाद में हैं और इनका साइज तकरीबन वही है जो बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। इस जंग में हम मर सकते हैं गो गैर इरादी तौर पर, लेकिन भारतीय और पाकिस्तानी जनरलों ने हमारे बारे में कभी सोचा तक नहीं होगा। मेरे दो साथियों ने पाक भारत एटमी जंग की सूरत में धुआं फैलने का तखमिया लगाया। धुएं को पूरी ज़मीन को लपेट में ले लेने में सिर्फ 2 हफ्ते लगेंगे और ये सतह ज़मीन से 20 से 50 मील ऊंचा उठ जाएगा। इतनी बुलंदी पर कभी बारिश नहीं होती, लिहाजा धुआं कई सालों तक वहां मौजूद रहेगा। ये किसान यूरोप या अमेरिका में हो सकता है, यानी पाकिस्तान और भारत से हजारों मील दूर। ये ऊपर धुएं के बादलों की तरफ देख रहा है और इसके कदमों तले इसकी फसल मर चुकी है, क्योंकि रोशनी की कमी है और दर्जा हरारत इंतहाई कम है। तखमीने के मुताबिक पाक भारत जंग की सूरत में हम कई सालों तक के लिए 10 से 40% मकई, गंदम और चावल से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि मौसम इनके उगाए जाने के लिए दुरुस्त नहीं होगा। पूरी दुनिया के पास इस वक्त मुकम्मल आबादी के लिए सिर्फ 60 दिन की खुराक है। डॉक्टरों के आलमी तंजीम बराए इंसदादे एटमी जंग, जो अमन का नोबल प्राइज़ जीत चुकी है, कि एक रुकन के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत में 1 से 2 अरब अफराद मारे जाएंगे, वो भी सिर्फ खुराक की कमी की वजह से। अगर मुकम्मल जंग शुरू हो गई तो दुनिया का दर्जा हरारत अर्थ से बर्फानी आइस एज से नीचे चला जाएगा। हम सब एटमी जंग के असरात का सामना करेंगे, कोई फसलें नहीं उगेंगी। तखमीने के मुताबिक दुनिया की 90% आबादी खुराक की कमी से मर जाएगी और दुनिया की तहजीब तबाह बर्बाद हो जाएगी, और कोई महफूज नहीं रहेगा, वो भी नहीं जिनके मुल्कों में कोई एटमी हथियार नहीं, वो भी नहीं जिनके ममालिक ने जंग में हिस्सा नहीं लिया, वो भी नहीं जो एटमी धमाकों वाले खित्ते की दूसरी जानिब रहते हैं, कोई महफूज नहीं रहेगा। ये तो था पाक भारत जंग के बाद होने वाली तबाही पर तबसरा। अब बात करते हैं जंग कौन चाहता है, पाकिस्तान या भारत। पाकिस्तान तो अमन चाहता है, जिसका सबूत पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय पायलट अभिनंदन की भारत हवालगी से दिया। शहजादी नसीम, आज़ाद रियासत वेब टीवी, कराची।